सो गाइस, किरण इंग्लिश 16800 से फिलर्स का ये वीडियो नंबर 2, जहां हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक की। फिलर्स के मैं 25 क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट के लिए खासकर, और फिलर्स तो आपका है ही जो भी है 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स यहाँ से और 20 मार्क्स क्लोज टेस्ट के, आपके 25 मार्क्स देखा जाएगा ये छोटा सा टॉपिक आपको। बी केयरफुल और थोड़ा सा सावधानीपूर्वक रूल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू करेंगे अपना आज का। कह रहा है कि थ्रू दो दिस ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वूल, कह रहा है कि हालांकि ये ब्लैंकेट नहीं बनी है वूल की, इट हैज़ अ डैश स्ट्रक्चर, इसका जो है डैश स्ट्रक्चर है। अब गाइस, यहाँ पर टेक्सचर आपका एक नाउन हो गया। अब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग एडजेक्टिव का। यस, यहाँ पर एडजेक्टिव आपका हो जाएगा वूलन, या वूली। देखिए, इट हैज़ अ वूलन टेक्सचर या वूली स्ट्रक्चर, अब दोनों में थोड़ा डाउट रहेगा। देखिए, वूलन का मतलब होता है ऊन से बना हुआ, और वूली का मतलब होता है ऊनी, ध्यान देना। वूली मतलब ऊनी, वूलन मतलब ऊन से बना हुआ। सो अगर कोई चीज़ वूलन है तो समझो वो ऊन की बनी हुई है, वूली मतलब ऊनी है वो, ऐसे ऊन के समान यानी के। तो गैस, वो तो खुद ही कह रहा है ना, दिस ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वूल, वूल से बनी ही नहीं है। तो इट हैज़ अ वूलन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे वूलन टेक्सचर तो कह नहीं सकते, बिकॉज वूलन टेक्सचर मतलब हो जाएगा वूल से बनी हुई, तो ये नहीं कह सकते। वूल के जैसी है तो वूली कहेंगे इसको आप। यहाँ पर वूल कहना तो खैर गलत ही हो जाएगा, और वूलिश भी कहना गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कह रहे हैं कि नन ऑफ द गेस्ट एट मच एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक्ड डैश, तो किसी भी गेस्ट ने ज़्यादा नहीं खाया पार्टी में, क्योंकि खाना जो है डैश था, अन अप्रोचेबल पहुँच से बाहर था, अनऑथोराइज, अनसेरेमोनियस, अनएपेटाइजिंग, तो अनएपेटाइजिंग यानी कि स्वादिष्ट नहीं था, रुचिकर नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट के साथ में गैस, अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विश्वास करने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि फेथ के साथ इन, बिलीव के साथ इन, रिलाय के साथ ओन, काउंट के साथ ओन, उसी तरह से ट्रस्ट के साथ में इन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रस्ट इन गॉड। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द अक्यूज्ड वाज डैश एज द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस, तो अक्यूज्ड वाज डैश। अब यहाँ फ्रेजल वर्ब का सारा केस हो रहा है शुरू स्टार्ट, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब से ही मसला शुरू होगा गाइस। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब को पकड़ेंगे आप लोग। अब पहली फ्रेजल वर्ब हमारे पास में लेट आउट है। यस, लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, फ्रेजल वर्ब है। यस, बाहर निकालना। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लेट ऑफ। यस, मुक्त करना, क्षमा करना। उससे अगला फ्रेजल वर्ब है लेट ऑन, बताना। उससे अगला वर्ड है लेट असाइड, एक तरफ रख देना। वैसे तो एक कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये कोई फूछा ही नहीं बच्चों यहाँ पर, ये तो ये आपके हो गए हैं। तो आपका हो जाएगा लेट ऑफ बाहर निकालना, नौकरी जा जाएगी। तो एक्यूज वॉज लेट ऑफ एज अ काउंसिल कुड नॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस अ विटनेस। डैश थाउजेंड स्पेसिस ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन आइडेंटिफाइज, सो यहाँ पर अगर मैं एज मैनी एज लगा सकता हूँ क्योंकि काउंटेबल है। यस, एज मैनी लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज एज एज पूरा होना चाहिए था, मच एज नहीं हो सकता है, एज मच एज अनकाउंटेबल के लिए आया करता है, तो ये दो तो पूरे ही नहीं है। पहली बात तो ये है, मच आपका आ गया अनकाउंटेबल के लिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फर्स्ट। 30 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। अब चलते हैं गाइस 31 पर। यहाँ से ही डैश हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गाइस, एहसास होने के लिए होता है रियलाइज, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अंडरस्टूड मतलब समझ जाना, सोल्व मतलब सोल्व कर लेना, फिनिश मतलब समाप्त कर देना। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है कि द चेस प्लेयर मूव्ड हिज पीस टू अ मोर डैश पोजिशन सिक्योरिंग द विन, मोर के साथ में आपको लगाना है यहाँ पर एक एडजेक्टिव। अब देखना है यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव आपका प्रॉपर रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी एडजेक्टिव ही हैं। जैसे कि पहला वर्ड है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है फायदा नुकसान के बारे में, जब बात आप कर रहे हैं मनी से संबंधित, तो यहाँ पर मनी संबंधित तो बात नहीं है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, किसी अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए लगाते हैं हम लोग। तो एडवांटेजेस आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट यहाँ पर, लाभदायक, और ये इसका आंसर भी होगा थर्ड ऑप्शन। रथवाइल मतलब योग्य, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट डैश हिम, यानी कि कई सालों बीत गए सिंस आई लास्ट डैश हिम। अब लास्ट आ गया है, जब भी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, जब इस तरह के वर्ड आ जाए तो समझो आपको लगाने हैं यहाँ पर क्या, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपका एक ही ऑप्शन में है, वो है मैट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। 34 क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दीज म्यूरल्स आर टिपिकल डैश तमिलनाडु। अब टिपिकल के साथ गैस आपका फिक्स्ड है प्रपोजिशन ऑफ, ये सब चीज़ें हैं जो फायदे की हैं आप लोगों के लिए, जो आपके क्लोज टेस्ट में काम आनी है। यस, इनको पकड़ते हुए चलें, क्योंकि चीज़ें एक साथ तो कवर नहीं होंगी सलाता भी। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि सर फ्रेजल वर्ब नहीं याद रहती, वो याद क्यों रहेंगी, याद करते नहीं ना बच्चे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। द फ्लाइट विल लैंड डैश सिक्स दिस इवनिंग, विल लैंड डैश सिक्स दिस इवनिंग। अब यहाँ पर बात हो रही है टाइम की, और वो भी स्पेसिफिक टाइम की। जब स्पेसिफिक टाइम को हमें बताना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का। यस, ओन का इस्तेमाल करते हैं डेज नेम से पहले, इनका इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे से पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट पूरी तरह से। यस, सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, आई सो अ डैश ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो, आई सो अ हर्ड ऑफ बंच ऑफ ग्रुप ऑफ लाइटर ऑफ। यस, कैटल्स यानी के ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सेम टाइम्स ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ द सेम टाइप्स, उसके इस्तेमाल करते हैं हर्ड का। बंच करते हैं हम लोग बच्चों किसी चाबी के गुच्छे के लिए, अंगूर के गुच्छे के लिए, ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, लेकिन जानवरों का ना हो बस। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस, सो यहाँ आई सो अ हर्ड ऑफ कैटल। यस, और उसके अलावा यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके फेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्लाइट वॉज डैश फ्रॉम जम्मू टू आगरा एयरपोर्ट। सो हमारी फ्लाइट जो है डैश कर दी गई है फ्रॉम जम्मू से आगरा एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर हमारी फ्लाइट को क्या कर दिया गया है, वॉज शिफ्टेड, डाइवर्टेड, रिवर्टेड, डिफ्लेक्टेड। तो डाइवर्ट कर दी गई है, डाइवर्ट के साथ ही आपका आ सकता है फ्रॉम, ये भी बात फायदे की आपके लिए। सो यहाँ एक मार्क से दूसरे मार्क पर ले जाना, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी गुड, वी ऑल हैव टू डैश ओवर बैड। अब आ रहा है आपका यहाँ पर टू के साथ में हमें लगाना है वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान देना, बात हो रही है बेल्ट की, मतलब क्या करना है कि आजकल जो इन्फ्लेशन हो रहा है हम अपने खर्चों को करना है कम करना है, ये कहना चाह रहा है। सो एक इडियमेटिक सेंटेंस है पूरा, टाइटन अवर बेल्ट, यानी कि अपने खर्चे को कम करना। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। शॉर्टर का मतलब होता है बच्चों कट करने के लिए लगता है, लेसन का मतलब भी कम करना होता है, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं लागू होंगी क्योंकि ये कोई फ्रेजल वर्ब बनती ही नहीं है यहाँ पर। अगला वर्ड है, ही मेड अ पावरफुल डैश इन द राइन एंड पीपल फेल्ट ही वुड मेक अ गुड लीडर इन दोज डे, इन द डेज टू कम। ही मेड अ पावरफुल डैश इन डैश। अब यहाँ पर ऑप्शन से चलेंगे हम लोग लेकर के। पहला वर्ड है इम्प्रेशन, जो कि नाउन है, प्रभाव डालना। ही मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन इन द राइन। अगला वर्ड है हमारे पास डिस्कर्सिव। गैस, डिस अपना में ही नेगेटिव वर्ड है तो आवश्यकता ही नहीं है इसकी। यस, समझ रहे हो ना आप लोग, देखिए डिस ही जब नेगेटिव है तो डिस्कर्सिव भी नेगेटिव होगा, यानी कि विवाद। मार मतलब चिन्ह, इंटरेस्ट मतलब रुचि। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन, द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन। फादर ने थ्रोन मतलब गद्दी, राज गद्दी को डैश कर दिया अपने बेटे के लिए। क्या कर दिया, रिवर्ट कर देना। गैस, रिवर्ट का मतलब होता है वापस आना, लौट आना, तो जी नहीं, रैलिस्ड। अगला वर्ड है हमारे पास रैलिस। तो गैस, रैलिस मतलब किसी बात की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करना। रैलिंक्विज्ड, छोड़ देना, त्याग देना। यस, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। और रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। वन हु ट्राइज मे फॉल मे फेल बट वन हु डज नॉट ट्राई नेवर डैश। कह रहा है कि जिसने ट्राई किया वो फेल तो हो सकता है, लेकिन जिसने कभी ट्राई ही नहीं किया, डज नॉट, बट हु डज नॉट ट्राई नेवर,
सक्सेस या सक्सीड में से कोई लगाएंगे। हालांकि यहां पर मुझे जरूरत है वर्ब की, वन को देखते हुए, तो मैं वन को देखते हुए वर्ब लगाऊंगा सक्सीड, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 42। द लेडी डैश टू बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ आर्स। अब यहां फ्रेजल वर्ब का खेल आ गया फिर से। पहला वर्ड है हमारे पास फ्रेजल वर्ब टर्न आउट, TURNOUT। टर्न आउट का मतलब होता है गैस, पाया जाना। तो द लेडीज टर्न आउट टू बी अ क्लोज रिलेटिव, यानी कि वो तो पाई गई हमारी क्लोज रिलेटिव। यस, अगला है टर्न इन, टर्न इन अंदर की ओर मोड़ना। यस, टर्न अप, ये किसी चीज का मतलब टर्न अप होता है ना, पूरा पूरा पता लगाना एक तरह से कह सकते हैं, छोटा करना, तेज करना, टर्न अप के लिए लगता है। और टर्न अबाउट, टर्न अबाउट हमारे एक प्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो जाएगा गाइस पूर्ण परिवर्तन। तो टर्न आउट टू बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ आवर्स, तो हमारी क्लोज रिलेटिव निकली, ये कहना चाह रहा है वो। वी ऑल हैव डैश द विडो गर्ल, वी ऑल हैव द, अब गाइस हमारे जो है सबकी विडो गर्ल यानी कि विधवा के प्रति डैश होती है। देखिए सब में सिंपैथी 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 आ रहा है तो कंफर्म है। अब आपको देखना है कि सिंपैथी के साथ आप कौन सा प्रिजर्व लगाने वाले हैं, यानी कि प्रपोजिशन लगाने वाले हैं, क्योंकि सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है सिंपैथी का मतलब? सहानुभूति। अब उसी के हिसाब से आपको लगानी है यहाँ पर वर्ब। सिंपैथी के साथ में अगर आप एट लगाते हैं, सिंपैथी एट, जो कि कोई प्रिजर्व वर्ब नहीं बनती है। सिंपैथी फॉर मतलब किसी के प्रति सहानुभूति रखना, सिंपैथी फॉर मतलब किसी के प्रति सहानुभूति रखना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, नॉट विद नॉट वर्ब। दे ऑर्गेनाइज एन इवेंट लास्ट मंथ इन डैश विद अनदर कंपनी इन कंपटीशन इन कोलोबरेशन कैंसिलेशन रेगुलेशन। सो गाइस उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट लास्ट मंथ इन कोलोबरेशन विद अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से उन्होंने कोलोबरेशन किया, मतलब सहयोग लिया या फिर हाथ मिलाया उसके उपलक्ष्य में। यस, वैसे भी कोलोबरेशन के साथ आपका विद आया करता है, ये फिक्स है, ये ध्यान रखें, और आगे यहाँ पर विद ही आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ही डैश टू हेल्प मी एंड कॉल्ड मी अ फूल। अब देख रहे हैं आप लोग बच्चों एंड के बाद क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। अब आप लोग भी यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, सेकंड फॉर्म लगाने वाले, लेकिन डैश क्या है, ही डैश टू हेल्प मी एंड कॉल्ड मी अ फूल। तो उसने मुझे डैश कर दिया हेल्प करने से और मुझे फूल भी कहा। रिफ्यूज मने करना, डिनाई मना करना, ऑफर मतलब देना, थॉट माने सोचना। अब ये दो वर्ड आपके पास बचते हैं, पहला वर्ड है रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मतलब होता है गैस इनकार कर देना एक तरह से। यस, सो ये भी आपका इनकार करना है। दूसरा वर्ड है आपका डिनाय, डिनाय का मतलब होता है गैस इनकार करना, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ आपको कहा जा रहा है मानने के लिए, उसको मानने से आप इनकार कर रहे हैं, इसके लिए मना करना, नॉट मदद करने के लिए मना करना। यस, तो वो चीज़ आप नहीं लगा सकते यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एज सून एज दिस वर्कशॉप इज ओवर आई एम गोइंग टू डैश एवरी ड्यूटी एंड गो ऑन हॉलीडे। अब यहां पे देखिए ऑप्शन सही, साइड ट्रैक, ओवरथ्रो, क्लोज डाउन, अबेंडन। आई एम गोइंग टू अबेंडन एवरी ड्यूटी, अबेंडन मतलब होता है गैस छोड़ देना, त्याग देना, तो गैस यहां आपका आंसर हो जाएगा गिव अप, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। मीरा कैन नॉट डैश द एग्जाम रिजल्ट, मीरा कैन नॉट, अब गैस यहां पर अगर मैं लगाऊं डिपिक्ट जिसका मतलब होता है चित्रित करना, एनवाइजन किसी की परिकल्पना करना, इमेजिन करना यानी कि ऑब्जर्व देखना है, निरीक्षण करना, आपका हो जाएगा अवेट यानी कि इंतजार करना, तो मीरा एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकती, ये कहना चाह रहा है। पोएट्री इज अ डैश फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, सप्रेस्ड, पैटर्नाइज, डिग्रेस्ड, कंप्रेस्ड, तो गैस कंप्रेस आपकी भावनाओं को जो कंप्रेस किया उसको बोलते हैं पोएट्री, तो पोएट्री इज द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। रोमियो एंड जूलियट्स डैश अपीयर इज प्रोबेबली द मोस्ट लव्ड ऑफ ऑल टाइम्स, रोमियो एंड जूलियट्स डैश कोवर्ट क्लैंडेस्टाइन सीक्रेट कैंडिड, कोवर्ट यानी कि बनावटी या गुप्त, कोवर्ट। सो रोमियो और जूलियट का जो बनावटी अफेयर था इस प्रोबेबली द मोस्ट लव्ड ऑफ ऑल, यानी कि सिर्फ बनावटी है, ऐसा कोई वास्तविकता यानी कि हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र नहीं है। कैंडिड मतलब सच्चा,
क्लैंडेस्टाइन गुप्त, तो गैस आपका आंसर हो जाएगा कोवर्ट ही। सुमन हैज डैश फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। सुमन हैज आ रहा है, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म आपकी ये रही और ये रही। सुपीरियर तो आने से रहा, डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई कर देना, और इसी के साथ आपका आया करता है फोर भी। तो सुमन ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल राउंड कंपटीशन का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, चलिए सो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।